गुड आफ्टरनून गाइस। तो अभी अरे दोपहर के 4:30। तो ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल तो असाइनमेंट लिख रहा हूँ इकोनॉमिक्स की। तो ठीक है, तो कॉलेज इतने तो पिछले इतने सारे दिन हो गए व्लॉग नहीं किया, क्योंकि असाइनमेंट और वो अकाउंट्स की टैली की असाइनमेंट चल रही थी, बहुत सारा टेंशन चल रहा था पीछे, इसलिए किया नहीं। तो ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इकोनॉमिक्स की कर रहा। और एक चीज़ भाई आपको बताना चाहता हूँ, जो ये व्लॉग देख रहा, जो ये वीडियो देख रहा, जो BMCC में एडमिशन लेने की सोच रहा, तो गाइज इंटरनल आपको अगर सेमेस्टर पास करना है तो ठीक है, तो आपको इंटरनल भी मतलब असाइनमेंट करनी पड़ेगी सारे सब्जेक्ट की सारी। तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, आपको असाइनमेंट सारी क्लियर करनी पड़ेगी। मैं पहले मैं ऐसे लाइट ले रहा था असाइनमेंट को, मैं सोच रहा था नहीं करती तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बैक लगाते भाई, इंटरनल में बैक लगाते हो, लेकिन एक्सटर्नल तो अपन एग्जाम देके कर सकते, लेकिन असाइनमेंट नहीं की तो इंटरनल बैक लगाते, तो यही कहना था। तो आज है गाइस रामनवमी, तो सबसे पहले आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो हेलो गाइस, आई एम ओमदोदो फ्रॉम ऑसम चैनल DDR ओमदोदो, आप सबका स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो इस वाले ब्लॉग में अपन शाम को जाएंगे इधर गोखले नगर में, थोड़ा सा वो DJ लगाए उन्होंने कुछ, तो ये राम पूजन होगा शायद से, देखेंगे क्या है। तो और गाइस आपको ये ब्लॉग जो देख रहे हैं आप, ये वन प्लस, ठीक है, तो भाई ने नया फ़ोन खरीदा था उसमें कर रहे ब्लॉग, ठीक है। तो अपना इसने तो अपने फ़ोन की इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो आएंगे बाद में देखेंगे। तो ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल असाइनमेंट कम्प्लीट करता हूँ और शाम के वक्त अपन जाएंगे, ठीक है, मिलता हूँ शाम। We are ready to go. हम जाते हैं, ठीक है। उससे पहले भाई मेरा जो प्रोटीन शेकर किधर गया, तो मेरे को गुस्सा आ गया था ना, तो मैंने गुस्से में ये प्रोटीन शेकर मतलब फेंक के मारा दोस्त को, तो ये टूट गया भाई। और ये अपने जिम का है, ठीक है गाइस, ये जिम का है, इसकी वजह से मेरे को बहुत दुख हो रहा है। अपना जिम का कुछ चीज़ टूटती है ना तो समझता है बंदे को। और रीज़न क्या था, एकदम नॉर्मल था, बस वो उन लोगों ने मैगी खाई और मैगी नीचे गिरी थी। मैं आया, मैं जिम के लिए मतलब बैग पैक कर रहा, तो मेरा पैर गिरा उस पर और मेरे को इतना गुस्सा आ गया, और सुबह से मेरा दिमाग थोड़ा सा ये चल रहा था असाइनमेंट और उसके चक्कर में, तो होता है भाई कभी कभी, ठीक है। तो वो भी समझ गया कि कभी कभी निकल जाता है गुस्सा, ऐसा कभी कभी आता है गाइस गुस्सा। और कमेंट में आप बताओ कि मैं गुस्सा कैसे कंट्रोल करूँ, जब मेरे को एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आता है तब कैसा कंट्रोल करूँ। मैं खुद को बहुत कंट्रोल करता कि भाई लेकिन कैसा टूट गया। अभी नया मंगाना पड़ेगा, नया देखते, तो कोई नहीं, तो इसको भी संभाल के रखेंगे। इसको सीधा मैंने कपबोर्ड में रखा था भाई, इसको अपने जिम की चीज़ है, इसलिए अपन इसको अच्छे से संभाल के रखेंगे शुरू अपने घर पे जाके, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, उधर जाके गोखले नगर में क्या सीन है क्या नहीं, तो उधर चलते अपन। तो चल, तो गाइस भाई को जाना था कोथरूड़ में, तो ठीक है आप पहले इधर झलक देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, तो फिर कोथरूड़ जाके आते हैं, किसी दोस्त को मिलना था। बनाए
तो गाइज तो हम उधर थे, जाके आए उधर कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा माहौल नहीं था। तो झारखंड में ठीक है, झारखंड में कैसा रहता हजारीबाग का, उधर तो अलग ही सीन रहता भाई, पूरी झारखंड की पुलिस फोर्स लगा दी उधर, तो सारा लाइट का प्रॉब्लम वाला ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था और वो लिटरली भाई, और ये दूसरे गाने बज रहे थे जो राम जी के थे वो तो नहीं बज रहे थे लिटरली, ऐसे आप बुरा लगा ना, अच्छा नहीं लगा, मैं तुरंत वहाँ से चले आया ठीक है। तो मेरे दोस्त आए, दोस्त है एक झारखंड का ठीक है, आपका मतलब आप उसका देखो इंट्रोडक्शन में ठीक है, मैंने इसका किया ब्लॉग लेकिन वो बोल रहा है मत डाल भाई, अच्छा नहीं आया तो डाल देंगे अपन ठीक है। तो बस, और कल जाते प्रोटीन शेकर लेने के लिए, मेरा फूट गया प्रोटीन शेकर मस्ती मस्ती में, तो कल जाएंगे नया लेंगे, और मेरा जो मसल बेस का भी ख़त्म होने को आया प्रोटीन तो उसको भी लेंगे ठीक है। तो सोते गए अभी, कल सुबह उठना है, कॉलेज को जाना है सुबह 7:30 बजे, लेक्चर करना है, और जैसे और फिर से अपडेट आएगा कुछ भी कॉलेज के बारे में, बीबीए के बारे में, बीकॉम के बारे में आपको देता रहूंगा ठीक है। तो बने रहिए चैनल, दबदबा बना रखिए, क्योंकि क्यों रुकने का इसी जगह पे ठीक है। तो जो रहता भाई राम जी के लिए मन से जो थे अपने भगवान है, जय श्री राम, सारे बोलो कमेंट में भी लिखो जय श्री राम। और भाई अपना है सौरभ भाई, ये भाई है रांची का, तो धोनी का गाँव है ना भाई, अपने फेवरेट धोनी, तो उनके गाँव का ही है भाई। तो धोनी की ऑटोग्राफ की हुई बैट भी है भाई के पास, तो मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा गाइस। तो इधर पुणे में भी मैच है भाई 17 अप्रैल को गुजरात और इसकी सीएसके की, लेकिन हमने टिकट चेक किए लेकिन टिकट नहीं है, तो देखते नेक्स्ट टाइम मतलब अगले साल देखेंगे होएगी, तो अभी तो नहीं है ठीक है। अभी टिकट सोल्ड हो गए सारे, और 25% सिर्फ 25% लोगों को अवेलेबल है आने के लिए। हाथ दुख गया गाइस, मेरा ट्राइपॉड पकड़ के बैठा है, तो ऐसा है। तो बस इसी ब्लॉग में बस इतना ही आज के लिए, तो कल जाते कॉलेज को और फिर जाएंगे उधर, तो उधर ही कंटिन्यू करेंगे। तो बाय बाय। द नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस, इसका नाम है प्रणय, इसको आना था ब्लॉग में भाई, तो कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस बस, और लेक्चर अटेंड करो सारे के सारे, असाइनमेंट कंप्लीट करो, और जो नए बच्चे आने वाले उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? मतलब नए बच्चे जो एडमिशन ले रहे हो, बहुत अच्छा कॉलेज है, मस्त कॉलेज है, एडमिशन ले लो। इस भरी हुई क्लास कुछ ऐसी लगती है। हाय सनी, हाउस गोइंग ब्रो? और बर्थडे बॉय किधर है अपना ओंकार? अरे बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे ब्रो ओंकार ब्रो, कैसा है भाई? बढ़िया, कुछ बोलना चाहेंगे अपने पब्लिक के लिए ब्रो? भाई का बर्थडे कट्टर हिंदुत्व कट्टर शिवभक्त गाइज, इधर अभी बंद कर दिया ठीक है, और इतने सारे बच्चे फिर से लगे ये अकाउंट्स का करने को, जो टैली के असाइनमेंट है ठीक है, मेरी तो हो गई भाई, मैंने मतलब पीडीएफ मंगवा दिया मेरे ईमेल पे, तो अभी एक दोस्त का कर रहा है ठीक है। अरे सर तक भाई पीछे बैठा है, पता ही नहीं भाई कैसा है, बता को डेडिकेशन देखो बीएमसीसी के बच्चों, और सारे के सारे हेल्प करते भाई, एक दूसरे के हेल्प में जुटे रहते हैं, तो अच्छे बच्चे अपने सारे। तो गाइज मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा एडिट करने के टाइम पे, वक्त ये जो आप देख रहे हैं साइरस हॉल में हुआ था, तो हमारा एक एडिशनल इंग्लिश का एक मतलब लेसन है पूरा डेथ ऑफ सेल्समैन का, तो उसमें हमने पार्ट लिया था और एक एक कैरेक्टर मिला था हमको, तो हम वही प्ले कर रहे थे, तो आप देखो थोड़ा बहुत। और इतने सारे दिनों में जो व्लॉग नहीं किया ना, ये थोड़ा बहुत मतलब यही सब चल रहा था बीच में। Come back soon. I'll try. Don't try, honey. Try hard. This girl exits. Stanley follows, shakingly. For 1 minute. I got so mad, I could have topped the walls down. How the hell did I ever get the idea? I was a salesman. I even believed myself that I've been a salesman for him. And then he helped me. I can't bear to look at his face. Where are you going? Will you stop laughing? Will you stop? Aren't you going to answer the door? Will we wake the whole hotel? I am not expecting anybody. Why don't you have another drink, honey? And stop being so damn self-centered. I am so lonely. Kendall, you came, you charmed, you gave us hats off. So, big applause for you too. Thanks a lot. Hey, here is on the door from section B.
गाइज ये है BMCC का साइरस हॉल। तो इधर किया था हमने वो प्ले का एक्ट, और बीच में इन सारी चीज़ों में मतलब दोस्त लोगों के बर्थडे सेलिब्रेशन किए हमने, वो गिरे भाई का बर्थडे था, बहुत सारी मस्ती की गाइज लिटरली मतलब। और ये सारी चीज़ें करते वक्त हमको मतलब जो प्ले एक्ट किया ना उधर भी बहुत मज़ा आया, और इधर ये बर्थडे सेलिब्रेशन किया था सारंग के पास, और इधर भी 2-3 दिन पहले ओम भाई का बर्थडे था, तो हमने कॉलेज की कैंटीन में सेलिब्रेट किया। कॉलेज की कैंटीन भी चालू हो गई है BMCC की। भाई का बर्थडे है, चलो सेलिब्रेशन करेंगे थोड़ा बहुत कैंटीन में। ये देखो कॉलेज की कैंटीन गाइज।